अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चनों का सालन, जो हम पूरी के साथ खाते हैं, पराठे के साथ खाते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चने के सालन के लिए मैंने यहाँ पे लिए 1/4 कप ऑयल, और इसमें मैंने तकरीबन 2 तेज़पात, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 3 लौंगे और साथ में ही कड़ी पत्ता शामिल किया, और 1/2 खाने का चम्मच हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा हम शामिल करेंगे, और ज़रा सा इसे 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। ये जब ज़रा सा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब मैंने 1 दरमियानी प्याज ली थी, उसे मैंने अच्छे से पीस लिया था, वो अब मैंने शामिल किया। हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक इसका लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखिए हमारी प्याज का बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, वो शामिल करके हम इसे ज़रा सा भुनेंगे। बस 1/2 मिनट हमने ज़रा सा फ्राई करना है, और इसके साथ ही 1/2 कप टोमेटो प्यूरी मैंने इसमें शामिल की, 1/2 खाने का चम्मच भरकर पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया, साथ ही मैंने इसमें नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिए, और उसके बाद इसमें मैंने जो पतली हरी मिर्चें होती हैं वो 5 से 6 वो शामिल किए। अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें दही फिर शामिल करेंगे। हमें बहुत अच्छे से भूनना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब यहाँ ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। अब यहाँ 3 खाने के चम्मच मैं दही शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने बिल्कुल अच्छे से बीट कर लिया था, और अब आप दोबारा से ज़रा सा मसाला भूनें। और यहाँ इस टोटल रेसिपी में जो है वो 2 कप उबले हुए चने शामिल होंगे, जिसमें से 1.5 कप साबुत हैं, और 1/2 कप को मैंने मैश कर लिया था हाथों से, वो हम इसमें शामिल करेंगे इसे मिक्स करके। और इसमें साथ ही 2 कप चनों का पानी, जो हम जिसमें हमने उबाले थे चने, वो इसमें मैंने शामिल किया है, और हम इसे कवर करके 6 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। अभी हमारे 6 से 8 मिनट हो चुके थे, इसका ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, ग्रेवी भी बड़ी अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं 1/2 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला का पाउडर शामिल कर रही हूँ, साथ ही हम इसमें बारीक हरा धनिया हमने काट लिया वो इसमें हमने शामिल किया है। ये देखें इसकी जो है वो ग्रेवी बड़ी अच्छी सी आ गई, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। ये देखें बस हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए, जो हम पूरी के साथ, कुलचे के साथ, पराठे के साथ हम इसे आप इसे सर्व कीजिए। ये बड़ा मज़े का सालन बनता है इसका, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।